YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मार्केट का ब्रॉडर व्यू है, जिसमें हम निफ्टी, डाउ जोंस, क्रूड ऑयल, US डॉलर, INR के वर्सेस क्या कर रहा है और जो डिफरेंट इंडेक्स है उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ गोल्ड की भी चर्चा करेंगे, गोल्ड अभी क्या कर रहा है। साथ ही साथ बता दें, कभी भी आपको लोन लेकर के, किसी से उधार या कर्ज लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे आप आने वाले समय में बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो जब भी इन्वेस्ट करें, अपना जो आपके पास सेविंग है, जो सरप्लस मनी है, उसे इन्वेस्ट करें। देखिए, फर्स्ट हम इंडियन मार्केट की चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर निफ्टी है वो डाउन ट्रेंड में भी है, क्योंकि ये जो पिछला अपना लो था उसको ब्रेक कर चुका है। जैसे हम पिछला लो की बात करें, यहाँ पर ये लो बन रहा था, इस लो को ब्रेक कर दिया है और इसके ऊपर जाने की फिर कोशिश भी किया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं किया। जब तक हम इस लेवल को क्रॉस नहीं कर जाते हैं, जो कि है 17,580, तब तक हम बेरिश हैं। इस लेवल को क्रॉस करते हैं तभी हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है पहले सपोर्ट का काम करता था, अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पर जो फिलहाल सपोर्ट रीजन हमें दिखाई देता है वो है 16,770 का। 16,770 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अभी फिलहाल काम करेगा। तो अभी हम आगे का जो प्रिडिक्शन है उसमें कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज रह सकता है कुछ दिनों के लिए, या तो यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक आता है तो फिर हम काफी तेजी से नीचे गिरेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मार्केट इस रेंज में कुछ दिन तक ट्रेड कर सकता है, जो कि रेंज है 16,770 का, और ऊपर का जो रेंज है वो है 17,580 का। अब बात करें हम सेंसेक्स का। देखिए, अब सेंसेक्स का जो सपोर्ट रीजन है वो है 56,400 का, और ऊपर जो रेसिस्टेंस रीजन है वो है 58,970 का। तो ये सपोर्ट रीजन और रेसिस्टेंस रीजन, इसमें सेंसेक्स ट्रेड कर सकता है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा, अगर ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो हम बुलिश होंगे, नीचे ब्रेक होता है तो हम बेयरिश होंगे। फिर बात है निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है, जिसको हम निफ्टी जूनियर भी कहते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो निफ्टी जो नेक्स्ट 50 है, जिसको हम निफ्टी जूनियर के नाम से जानते हैं, मतलब निफ्टी का ये जूनियर इंडेक्स है, मतलब इसमें जो कंपनियां है वो आने वाले समय में निफ्टी में जा सकती है, क्योंकि वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां है। तो ये निफ्टी के कंपेरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी आपको काफी ज्यादा गिरावट देखने मिला, लेकिन अभी तक ये अपने लो को ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं किया है। तो अपना जो पिछला लो था, जैसे हम इस लो की बात करें और ये जो पीछे वाला लो है, इस लो को ब्रेक तो किया लेकिन इसके नीचे अभी सस्टेन नहीं किया, जस्ट अपने पिछले लो के, मतलब पिछला जो सपोर्ट था, जो अपना पिछला लो बनाया था, उस सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर अपना इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर इसमें जोरदार गिरावट देखने मिल सकता है। अब बात करें हम बैंक निफ्टी का। देखिए, बैंक निफ्टी काफी बेयरिश है और बैंक निफ्टी जो अपना जो पिछला सपोर्ट रीजन था यहाँ पर, उसको ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पर जो नया हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस रीजन की बात करें, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस का जो शॉर्ट टर्म में वर्क किया है वो है 36,900, और जो सपोर्ट रीजन वर्क किया है वो है 35,550। तो ये लेवल है जिसके बीच अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वोलेटाइल भी रहता है। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस रीजन है जिसके बीच बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। जैसे ऊपर की ओर ब्रेक करता है रेसिस्टेंस रीजन को तो हम बुलिश हो जाएंगे, नीचे सपोर्ट रीजन ब्रेक होता है तो फिर हम बेयरिश हो जाएंगे। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप का। तो निफ्टी मिड कैप भी निफ्टी 50 के कंपैरिजन में अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, यहाँ पर ये अपना प्रीवियस लो तो ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर जो है रिकवरी भी हुआ और पिछले दिन जो गिरावट हुआ है वो काफी कम हुआ है, जबकि निफ्टी में काफी ज्यादा गिरावट था। फिर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप काफी ज्यादा वीक है। इसमें देखिए लगातार ये डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है, तो निफ्टी स्मॉल कैप जो है लगातार डाउन ट्रेंड में है, जबकि मिड कैप जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। तो स्मॉल कैप में हमें अच्छा खासा गिरावट देखने मिला है और इसमें रिकवरी भी उतना खास नहीं हुआ, लेकिन पिछले दिन निफ्टी स्मॉल कैप जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था, जबकि निफ्टी 50 में और निफ्टी स्मॉल कैप में गिरावट हुआ था। फिर आते हैं डिफरेंट इंडेक्स, जैसे FMCG सेक्टर काफी वीक है, तो FMCG में लगातार गिरावट हो रहा है, तो FMCG सेक्टर के स्टॉक को आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर IT सेक्टर देखिए गिरावट तो हुआ लेकिन रिकवरी भी काफी फास्ट हुआ और पिछले दिन भी गिरावट हुआ, तो ये सेक्टर जो है काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं IT सेक्टर में। फिर है फार्मा सेक्टर, देखिए काफी वीक, फार्मा सेक्टर में देखिए काफी वीकनेस देखने मिला। एक दो दिन ये निफ्टी में जब रिकवरी हो रहा था इसमें भी हुआ, लेकिन इसमें गिरावट काफी ज्यादा हो रहा है, तो फार्मा सेक्टर काफी वीक है, इसके स्टॉक अवॉइड करें। फाइनेंस सेक्टर, इसमें भी काफी वीकनेस देखने मिला, देखिए इसमें कोई खास रिकवरी नहीं हुआ,
जो गिरावट हुआ उसके कंपैरिजन हम रिकवरी देखें तो काफी कम है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी काफी कम है, इसलिए हम बैंकिंग सेक्टर को वीक बोल रहे हैं। फाइनेंस सेक्टर में रिकवरी काफी कम है तो काफी वीक है। जैसे आईटी सेक्टर रिकवरी काफी फास्ट हुआ, तो आईटी सेक्टर में जैसे यहाँ देखिए आईटी सेक्टर में रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग था, लगभग ये अपना जो रेसिस्टेंस रीजन था यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस अगर हम ड्रॉ करें तो इस रेसिस्टेंस रीजन के पास ये रिकवर करके पहुंच चुका था, जबकि जो फाइनेंस सेक्टर इसमें रिकवरी ना के बराबर है। फिर है ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर में काफी देखिए यहाँ पर गिरावट हुआ तो ऑटो सेक्टर भी काफी वीक है। अब देखिए मेटल सेक्टर, मेटल सेक्टर भी यहाँ एक रेंज में फंसा हुआ है, तो मेटल सेक्टर भी काफी वीक है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये काफी ज्यादा वीक और होता चला जाएगा। फिर उसके बाद है रियल्टी सेक्टर, रियल्टी सेक्टर काफी अभी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर काफी वीक हो जाएगा। लेकिन अगर रिकवरी की बात करें, निफ्टी में रिकवरी हुआ था लेकिन रियल्टी सेक्टर में रिकवरी नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस दिखा रहा है। फिर है इंफ्रा सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर में भी रिकवरी यहाँ पर नहीं के बराबर देखने मिला, तो मतलब इंफ्रा सेक्टर भी हो सकता है यहाँ से मार्केट में अगर गिरावट आए तो ये भी काफी जोरदार गिर सकता है, अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कराए। सपोर्ट के है या पिछले बार जो रिजेक्शन मिला जहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट मिला उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इंफ्रा सेक्टर भी वीक है। फिर है यहाँ पर मीडिया सेक्टर, मीडिया सेक्टर देखिए काफी रिकवर किया, तो जिसमें रिकवरी हो रहा है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है और साथ ही साथ ये अपने सपोर्ट के ऊपर जा चुका है। जो पिछला सपोर्ट था यानी कि सपोर्ट को ब्रेक तो किया लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं किया, और जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 2125 का, उसको ब्रेक नहीं किया, तो कहीं कहीं मीडिया सेक्टर जो है स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आईटी सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग था। तो ये दो सेक्टर है जिसमें आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं, जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स हैं। तो ये हो गया हमारा इंडियन मार्केट। अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट, जिसमें हम खास करके डाउ जोन्स को एनालिसिस करते हैं। देखिए डाउ जोन्स यहाँ पर वन डे यहाँ पर रिकवरी हुआ, दूसरे दिन यहाँ पर गिरावट हुआ, जिसके साथ हमारा भी मार्केट गिरा। जैसे देखिए डाउ जोन्स में गिरावट हुआ वैसे से हमारे मार्केट में भी गिरावट हुआ। डाउ जोन्स अभी अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है और इसका जो सपोर्ट रीजन है वो यहाँ पर सपोर्ट रीजन पे ही सपोर्ट लिया, 34,000 इसका सपोर्ट रीजन है। 34,000 से नीचे आए तो जो नीचे का सपोर्ट रीजन है वो 33,300, तो जब तक हम 33,300 के नीचे नहीं चले जाते हैं तब तक हम जोरदार रूप से इसमें वीकनेस नहीं देखने मिलेगा। तो डाउ जोन्स अभी भी सपोर्ट रीजन पे है, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तब तक हम कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद इसमें नहीं कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर बिटकॉइन का, देखिए बिटकॉइन जोरदार रूप से यहाँ पर क्रैश हुआ है और यहाँ पर देखिए लगातार क्रैश होता ही जा रहा है। कल यहाँ पर जो गिरावट हुआ था उसमें थोड़ा सा यहाँ पर नीचे से रिजेक्शन भी मिला, लेकिन आज फिर से इसमें गिरावट हो रहा है बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन जो कि काफी जोरदार रूप से यहाँ पर गिर रहा है, तो आप बिटकॉइन को बाय ऑन डिप कर सकते हैं जैसे यहाँ पर रिवर्सल मिलेगा। देखिए कभी भी आपको गिरते हुए चीजों को बाय नहीं करना है, जैसे रिवर्सल मिलेगा तब बाय कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी गिरावट हुआ था, यहाँ पर देखिए रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पर एक साइडवेज बनाया, देखिए यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट बनाया था, साइडवेज मोमेंटम बनाने के बाद फिर से ये रैली हुआ। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप गिर दीजिए, यहाँ थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम हो सकता है, फिर उसके बाद आप बाइंग कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स। देखिए बात करते हैं हम गोल्ड का, तो गोल्ड जो है अपने सपोर्ट रीजन के आसपास है। तो देखिए ये अभी रिसेंट इसका सपोर्ट है जो कि 47,300 का, और यहाँ से यहाँ जबरदस्त रूप से ये सपोर्ट लिया और यहाँ पर जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनाया है पिछले डे। अगर यहां से ये ऊपर चलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और वहीं इसका जो रेसिस्टेंस रीजन है वो है 49,600 का, अगर ये 49,600 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आप 50,000 के ऊपर जाने का वेट करेंगे, 50,000 के बाद ही आपको कोई जबरदस्त रैली इसमें देखने मिलेगा। तो फिलहाल गोल्ड पे भी कोई खास मोमेंटम नहीं हो रहा है, अभी ये फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट रीजन के आसपास से थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर जाता हुआ, मतलब रिजेक्शन होता हुआ देखने मिल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट रीजन के आसपास सपोर्ट लेता हुआ देखने मिला है। तो आप गोल्ड को जो है बाय ऑन डिप कर सकते हैं, इसके लिए आप गोल्ड बीच को बाय कर सकते हैं, मतलब गोल्ड का जो ETF है उसको बाय कर सकते हैं। अब देखिए क्रूड ऑयल में काफी ज्यादा गिरावट देखने मिला, यहाँ पर जो भारत जो अपना रिजर्व यूज करेगा, भारत काफी सारे COVID-19 की गिरावट में अपने पास ऑयल रिजर्व कर रखा है, उस रिजर्व के यूज करने के न्यूज के कारण और भी कई सारे ग्लोबल न्यूज थे क्रूड ऑयल वार का, जिसके कारण क्रूड ऑयल में काफी जबरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने मिला। तो यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है वो अपना सपोर्ट रीजन यहाँ पर बनाया जो कि है 4700, तो 4700 पर सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर जो है रिकवरी देखने मिला, और यहाँ पर हो सकता है कि ये 5000 पे भी सपोर्ट अपना ले
और सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर जा सकता है। तो इसके लिए हम मुख्य रूप से प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, साथ ही साथ आपको ग्लोबल न्यूज पे भी ध्यान रखना है। अगर ये इस रीजन को ब्रेक कर देता है जो कि 4650 अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर काफी ज्यादा वीक हो जाएगा, या यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा ये साइडवेज मूवमेंट बनाए, कोई एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ऊपर ब्रेक करता है तो बुलिश होंगे, रेंज बनाने के बाद नीचे ब्रेक करता है तो फिर हम बेयरिश हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूएस डॉलर और आईएनआर के वर्सेस। यहाँ पर डॉलर काफी स्ट्रांग होता है देखने मिला, देखिए यहाँ पर जो गिर करके आया था नीचे, तो यहाँ पर एक डॉलर का कीमत मात्र 73.86 था, अब ये यहाँ पर बढ़ करके एक डॉलर का कीमत जो है वो हो चुका है 75.18। तो यहाँ पर डॉलर जो है लगातार स्ट्रांग हो रहा है, तो जैसे जैसे चार्ट ऊपर जाएगा तो समझिए डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जैसे ये चार्ट नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा रुपया स्ट्रांग हो रहा है। तो जितना कम कीमत होगा एक डॉलर का रुपया में उतना ही रुपया स्ट्रांग होगा, जितना अधिक कीमत होगा डॉलर का रुपया में उतना ही हमारा करेंसी जो है वो वीक होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा करेंसी वीक हो रहा है, और यहाँ पर देखिए 75 पे पहुंच चुका है। यहाँ पर जो फ्यूचर चार्ट है यूएस डॉलर और आईएनआर के वर्सेस, ये था आज का एनालिसिस। तो इसी तरह का एनालिसिस हम आगे के सैटरडे या संडे को जानेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।